हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू एन एसे ऑन गुड हैबिट्स। सो लेट्स सी स्टार्ट क्लासेस फर्स्ट। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन हेडिंग इज गुड हैबिट्स। GOOD, गुड। HABITS, हैबिट, गुड हैबिट, अच्छी आदतें। ओके, फर्स्ट इज एवरीबॉडी हैव गुड एंड बैड हैबिट्स। EVERY, every, BODY, body, everybody, HAVE, have, ZOOD, good, AND, and, BAD, bad, HABITS, habits, everybody have good and bad habits। बेटा, सभी में अच्छी आदतें भी होती हैं और किसी में बुरी आदतें भी होती हैं। But वी मस्ट लर्न गुड हैबिट्स। But WEVMUST, मस्ट, LEARN, लर्न, ZOOD, गुड, HABITS, हैबिट्स। बट वी मस्ट लर्न गुड हैबिट्स, लेकिन हमें अच्छी आदतों को ही अपनाना चाहिए, अच्छी आदतों को ही ध्यान में रखना चाहिए। थर्ड लाइन इज ऑलवेज वेक अप अर्ली, हमेशा हमें जल्दी उठना चाहिए। ALWAYS, ऑलवेज, WAKE, वेक, UPE, अप, ERLY, अर्ली, ऑलवेज वेक अप अर्ली, हमें हमेशा जल्दी उठना चाहिए, हमेशा जल्दी उठना चाहिए। ब्रश योर टूथ डेली, हमें रोजाना ब्रश करनी चाहिए। BRUSH, ब्रश। YOUR, योर। TEETH, टिथ। DAILY, डेली, आपको ब्रश डेली करना चाहिए, ये हमारी गुड हैबिट्स हो जाएंगी। नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, RESPECT, रिस्पेक्ट, YOUR, योर, ELDERS, एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने से बड़ों का हमें आदर करना चाहिए जो आपसे बड़े हैं। ओके, नेक्स्ट इज बड़ों का आदर करना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रे टू गॉड डेली, PRAY, प्रे, TOOGOD, गॉड, TAILY, डेली, प्रे टू गॉड डेली, हमें रोजाना भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। नेक्स्ट इज वियर क्लीन क्लोथ्स, WEAR, wear, CLEAN, clean, CLOTHES, clothes, wear clean clothes, हमें कैसे साफ कपड़े पहनने चाहिए, धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आई रिपीट अगेन, एवरीबॉडी हैव गुड एंड बैड हैबिट्स। Everybody have good and bad habits, सभी में good अच्छी आदतें और बुरी आदतें दोनों होती हैं। But we must learn good habits, लेकिन हमें अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। Always wake up early, हमेशा जल्दी उठना चाहिए। Brush your teeth daily, रोजाना दांतों को ब्रश करना चाहिए। ब्रश योर टीथ डेली, आपको अपने दांतों को रोजाना साफ करें। Respect your elder, बड़ों का आदर करो। Pray to God daily, भगवान को रोजाना प्रार्थना करो। Wear clean clothes, साफ सुंदर कपड़े पहनने चाहिए।
बेटा ये आज हमारी गुड्स हैबिट्स हैं, इन पे आपको ये चीज़ें आपके लिए, जो बच्चा इन सभी को फॉलो करता है वो एक गुड बॉय या गुड गर्ल है। तो इन चीज़ों का हमें स्पेशली ध्यान रखनी है और गुड हैबिट्स हमें अपनानी है। ओके बेटा, राइट डाउन दिस एसे इन योर नोटबुक एंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन एंड डू ऑलवेज इन कर्सिव राइटिंग। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सीमा मैम, टीचर ऑफ फर्स्ट क्लास, सोडिया स्टूडेंट इन मैथ्स। टुडे वी विल रीड डिस्टेंस मेजरमेंट। सो बेटा, मेंशन योर हेडिंग DISTANCE, डिस्टेंस, MESUREMENT, मेजरमेंट, डिस्टेंस मेजरमेंट। तो डिस्टेंस मीन्स क्या होती है? हमारी दूरी, और मेजरमेंट मीन्स क्या होता है? मापना। दूरी को मापते किस में, ये हम आपको अभी बताएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है WHAT what, IS is, THE what is the, STANDARD standard, what is the standard, UNIT unit, OF of, LENGTH length। जो लेंथ होती है, दूरी लंबाई होती है, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है बेटा? हमारी मीटर, METER, मीटर। सो लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो गई? मीटर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है HOW हाउ, MANY मैनी, हाउ मैनी, CENTI सेंटी, METER मीटर, हाउ मैनी सेंटीमीटर इन वन मीटर। सो हाउ मैनी सेंटीमीटर इन वन मीटर, वन मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? सो बेटा 100 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर जो है, CM जो है वो सेंटीमीटर की शॉर्ट फॉर्म होती है। तो वन मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए हमारे? 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ, HOW हाउ, MANY मैनी, हाउ मैनी मीटर इन 1 किलोमीटर, कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे बेटा? 1000 मीटर, METER मीटर। हाउ मैनी मीटर इन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे हमारे? 1000 मीटर। ओके, सो नेक्स्ट है राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें कुछ शॉर्ट फॉर्म, इनकी फुल फॉर्म राइट करना है। तो M की फुल फॉर्म क्या होगी? मीटर, METER मीटर। M की फुल फॉर्म क्या होगी बेटा? हमारी मीटर। नेक्स्ट है CM की क्या होगी? सेंटीमीटर, CENTI सेंटी, METER मीटर। CM की फुल फॉर्म क्या होगी? सेंटीमीटर। नेक्स्ट है KM की फुल फॉर्म क्या होगी बेटा? किलोमीटर, KILO किलो, METER मीटर। सो M की फुल फॉर्म क्या होगी? मीटर, METER मीटर। नेक्स्ट है CM की फुल फॉर्म क्या होगी? सेंटीमीटर, CENTI सेंटी, METER मीटर, सेंटीमीटर। KM की फुल फॉर्म क्या होगी बेटा? हमारी किलोमीटर, KILO किलो, METER मीटर। KM की फुल फॉर्म क्या होगी? किलोमीटर। सो रिपीट करेंगे, व्हाट इज द स्टैंडर्ड, WHAT what is the standard unit of length, length होती है लंबाई जो होती है, length means होती है लंबाई। तो लंबाई की जो standard unit होती है, लंबाई को हम किस में मापेंगे तो वो बताना है। तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा? मीटर, METER मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर, हाउ मैनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो हमारे होंगे 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे बेटा? 100 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ, HOW हाउ, MANY मैनी मीटर्स इन 1 किलोमीटर, हाउ मैनी मीटर इन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? तो बेटा हमारा आंसर क्या आएगा? 1000 मीटर, METER मीटर। सो अगर हम सेंटीमीटर, 1 मीटर में सेंटीमीटर पूछेंगे तो हमारे 100 सेंटीमीटर आएंगे, और अगर 1 किलोमीटर में हम मीटर पूछेंगे तो हमारे कितने आएगा? 1000 मीटर। ओके, सो नेक्स्ट है राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। हमें पास कुछ शॉर्ट फॉर्म, उनको क्या हमें फुल फॉर्म करना है। तो M की फुल फॉर्म क्या होगी बेटा? मीटर, METER मीटर। ओके, M की फुल फॉर्म क्या होगी? मीटर। नेक्स्ट है CM की फुल फॉर्म क्या होगी? सेंटीमीटर, CENTI सेंटी, METER मीटर। CM की फुल फॉर्म क्या होगी? सेंटीमीटर।
नेक्स्ट है KM, KM की फुल फॉर्म क्या होगी बेटा हमारी किलोमीटर, KILO किलो, METER मीटर, KM की फुल फॉर्म क्या होगी किलोमीटर। ओके तो M की होगी मीटर, CM की क्या होगी सेंटीमीटर और KM की होगी किलोमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे हमारे 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे 1000 मीटर। ओके सो थैंक यू। टुडे वी विल डू साइंस ओलंपियाड क्वेश्चन आंसर 21 to 30। इन द लास्ट वीडियो वी डिड कंप्लीट 11 to 20 क्वेश्चंस। सो लेट्स वी स्टार्ट क्लासेस फर्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 इज ब्लैंक इज ए वेजिटेबल। ब्लैंक इज ए वेजिटेबल, वेजिटेबल है इसमें ऑप्शन इज चेरी, एप्पल, बनाना या कैबेज। इन चारों में वेजिटेबल कौन सी है बेटा? चेरी, एप्पल, बनाना, कैबेज। योर राइट आंसर इज कैबेज। कैबेज इज ए वेजिटेबल, कैबेज इज ए वेजिटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लायंस, टाइगर्स आर ब्लैंक एनिमल्स। जो बाघ और जो शेर हैं वो कैसे जानवर है? पेट्स, वाइल्ड, इंसेक्ट्स या फार्म एनिमल्स। जो लायंस हैं शेर हैं वो कैसे जानवर है बेटा? पेट्स पालतू हैं, वाइल्ड जंगली हैं, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े हैं या फार्म जो खेतों के जानवर होते हैं वो हैं। राइट आंसर इज वाइल्ड एनिमल। राइट आंसर इज वाइल्ड एनिमल। लायन, टाइगर्स आर वाइल्ड एनिमल्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैंक हैव फेदर्स। ब्लैंक हैव फेदर्स, ऑप्शन इज एनिमल्स, ट्रीज, बर्ड्स या नन ऑफ दीज। इसमें कह रहा है पंख किसके होते हैं? एनिमल्स के, ट्रीज के, बर्ड्स के या नन ऑफ दीज। तो आंसर इज बर्ड्स। बर्ड्स पंख किसके होते हैं? पक्षियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेंगुइन एंड ब्लैंक आर बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई। पेंगुइन एंड ब्लैंक आर बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई। पेंगुइन और कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकते? ऑप्शन इज स्पैरो, ऑस्ट्रिच, पैरट या पिजन। राइट आंसर इज ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कॉमन पेट। एक कॉमन पेट क्या है? लायन, टाइगर, कैट या जिराफ। राइट आंसर इज कैट। राइट आंसर इज कैट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वाटर एनिमल। ए वाटर एनिमल, इसमें वाटर एनिमल कौन सा है वो बताना बेटा आपको। लायन, टाइगर, फिश, स्पैरो। वाटर एनिमल इज फिश। राइट आंसर इज फिश। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज हनी बीज बिल्ड ब्लैंक। जो मधुमक्खियाँ होती है वो निर्माण करती है किसका? हाइव्स, नेस्ट, शेड या कैनल। जो हनी बीज होती है वो किसका निर्माण करती है, किस में रहती है? हाइव्स, नेस्ट, शेड, कैनल। तो राइट आंसर इज हाइव्स। राइट आंसर इज हाइव्स। हनी बीज क्या बिल्ड करती है बेटा? हाइव्स। ओके नेक्स्ट इज यू वुड बिल्ड ए कैनल फॉर योर पेट ब्लैंक। आप कैनल किसके लिए, आप अपने पालतू कौन से के लिए आप कैनल का निर्माण करते हैं? कैनल में कौन रहता है जिसका आप निर्माण करते हैं उसके घर का? तो ऑप्शन इज रैबिट, डॉग, काउ, कैट। रैबिट, डॉग, काउ या कैट। राइट आंसर इज कैनल किसके लिए बनता है बेटा? डॉग के लिए। किसके लिए? डॉग के लिए।
राइट आंसर इज डॉग. ओके नेक्स्ट इज ए बर्ड्स होम इज नोन एज ए ब्लैंक. ए बर्ड्स होम इज नोन एज ए, जो बर्ड्स होता है वो उसका घर किस नाम से जाना जाता है. ऑप्शन इज बोरो, हाइव, नेस्ट, हिल. बोरो, हाइव, नेस्ट, हिल. राइट आंसर इज नेस्ट. जो बर्ड्स होते हैं वो अपने लिए नेस्ट घोंसला बनाते हैं, तो राइट आंसर इज नेस्ट. और लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज एनिमल्स बिल्ट इट्स ओन होम. विच ऑफ दीज एनिमल बिल्ट इज ओन होम, अपने आप घर कौन बनाता है, कौन सा एनिमल बनाता है. ऑप्शन इज लॉयन, टाइगर, क्रोकोडाइल या हनी बीज. ऑप्शन इज लॉयन, टाइगर, क्रोकोडाइल या हनी बीज. राइट आंसर इज हनी बीज, जो मधुमक्खी है वो अपना खुद से अपना घर बनाती है. ओके डियर स्टूडेंट्स, रिवाइज क्वेश्चन नंबर 21 to 30. क्वेश्चन नंबर रिवाइज 21 to 30 इन दिस वीडियो. ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सीमा मैम, टीचर ऑफ फर्स्ट क्लास. ओडिया स्टूडेंट इन जीके वी विल रीड क्वेश्चन आंसर. सो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है WHAT व्हाट, IS इज, THE द, व्हाट इज द, PAIR पेयर, OF ऑफ, BREAD ब्रेड. व्हाट इज द पेयर ऑफ ब्रेड, ब्रेड जो होता है उसका पेयर क्या होगा बेटा हमारा, बटर, BUTTER बटर. सो ब्रेड का पेयर क्या होगा बेटा हमारा, बटर, BUTTER बटर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है HOW हाउ, MANY मैनी, हाउ मैनी, HANDS हैंड्स, इन ए, CLOCK क्लॉक. हाउ मैनी हैंड्स इन ए क्लॉक, जो हमारी क्लॉक होती है, घड़ी होती है, उसमें कितनी सुइयां होती है, तो बेटा हमारा आंसर क्या आएगा, 3, THREE. क्लॉक में कितने हैंड्स होते हैं, 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO हु, IS इज, हु इज, THE द, हु इज द, BIRD बर्ड, MAN मैन, OF ऑफ, INDIA इंडिया. हु इज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया, सो आंसर आएगा हमारा बेटा SALIM सलीम, ALI अली. सो जो सलीम अली है वो इंडिया के क्या है बेटा हमारे, बर्ड मैन. ओके बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, सलीम अली. नेक्स्ट क्वेश्चन है THE द, MAGIC मैजिक, LAMP लैम्प, द मैजिक लैम्प, BELONGS belongs to, द मैजिक लैम्प belongs to, जो मैजिक लैम्प होती है वो किससे बिलोंग करती है बेटा हमारे, आएगा आंसर ALADDIN अलादीन, द मैजिक लैम्प्स बिलोंग्स टू अलादीन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है JURASSIC जोरासिक, PARK पार्क, MOVIE मूवी. जोरासिक पार्क, जो एक मूवी आई थी जोरासिक पार्क इज फेमस फॉर, तो वो किसके लिए फेमस थी बेटा, डायनासोर के लिए, DINOSAUR डायनासोर. ओके सो रिपीट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है WHAT व्हाट, IS इज, THE द, व्हाट इज द, PAIR पेयर, OF ऑफ, BREAD ब्रेड. सो ब्रेड का पेयर क्या होगा बेटा हमारा, आंसर आएगा बटर, BUTTER बटर. सो ब्रेड का पेयर किससे बनेगा, बटर से, BUTTER बटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ, HOW हाउ, MANY मैनी, हाउ मैनी, HANDS हैंड्स, हाउ मैनी हैंड्स इन ए क्लॉक, CLOCK क्लॉक. सो हमारी क्लॉक होती है, घड़ी होती है, उसमें कितने हैंड्स होती है, कितनी सुइयां होती है, तो बेटा हमारे क्या आएगा, 3, THREE. एक क्लॉक में 3 हैंड्स होते हैं, हैंड्स मीन्स जो क्लॉक होती है, घड़ी होती है, उसमें कितनी सुइयां होंगी बेटा हमारी, 3, THREE. नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO हु, IS इज, हु इज, THE द, BIRD बर्ड, MAN मैन, OF ऑफ, INDIA इंडिया. हु इज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया,
सो इंडिया के बर्डमैन कौन है बेटा? सलीम अली, SALIM, सलीम ALI अली। तो जो सलीम अली थे वो क्या थे बेटा? बर्डमैन ऑफ इंडिया। ओके, सो सलीम अली क्या है? इंडिया के बर्डमैन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, THE द MAGIC मैजिक, द मैजिक LAMP लैम्प, BELONGS बिलोंग्स, द मैजिक लैम्प बिलोंग्स टू, जो मैजिक लैम्प होती है वो किसे बिलोंग करते हैं बेटा? हमारी आंसर आएगा अलादीन, ALADDIN अलादीन। सो मैजिक लैम्प किससे बिलोंग करती है? अलादीन, ALADDIN अलादीन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, JURASSIC जोरासिक PARK पार्क, जोरासिक पार्क मूवी MOVI मूवी, IS FAMOUS फेमस, FOR। जो जोरासिक पार्क एक पिक्चर आई थी, मूवी आई थी, वो किसके लिए फेमस थी बेटा? डायनासोर, DINOSAUR डायनासोर। ओके, वो डायनासोर के लिए फेमस थी जोरासिक पार्क, जो मूवी थी वो किसके लिए फेमस थी? डायनासोर, DINOSAUR डायनासोर। ओके, सो थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम संगीता मैम, टीचर ऑफ फर्स्ट क्लास एट MLP स्कूल राजपुरा। डियर स्टूडेंट, कल हमने वचन पढ़े, आज हम पढ़ेंगे विशेषण। ओके बेटा, विशेषण क्या होते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विशेषण किसे कहते हैं? ठीक है, उत्तर, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, देखिए बेटा उत्तर फिर से देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, विशेषण को गुण भी कहते हैं, विशेषण को हम गुण भी कह सकते हैं। गुण तरह तरह के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, जैसे ऊंचा, गोल, मोटा, अच्छा आदि, ये सभी क्या है? गुण है। ठीक है, ये सभी विशेषण है। उदाहरण जैसे देखिए बेटा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इमली कैसी है? ठीक है, उत्तर, इमली खट्टी है। तो जो ये खट्टी है ये क्या है? विशेषण है, ये इमली का गुण है, तो इसे हम क्या कहेंगे? विशेषण। खट्टी क्या हो गई? विशेषण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंग कैसी है? ठीक है, पतंग कैसी है? तो उत्तर, पतंग नीली है। जो नीली के नीचे जो अंडरलाइन की हुई है ये विशेषण है, गुण है, पतंग का गुण बता रही है कि पतंग कैसी है। ठीक है, तो पतंग कैसी है? नीली है। ठीक है, पतंग कैसी है? पतंग नीली है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बेटा, भालू कैसा है? प्रश्न नंबर थर्ड है, भालू कैसा है? उत्तर, भालू काला है। ठीक है, जो काला है ये भालू की विशेषता बता रहा है। ठीक है, कि भालू कैसा है, भालू का गुण या विशेषता बता रहा है कि भालू काला है, तो काला क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, देखिए भालू जो है ये है संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आने वाले शब्दों को ही, या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, देखिए अब ये संज्ञा है, ठीक है, इसकी विशेषता बता रहा है, ये काला जो है ये इसकी विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो ये काला, जस काला शब्द है, ये भालू की विशेषता बता रहे हैं, तो ये विशेषण कहलाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर फोर्थ, करेला कैसा है? ठीक है, तो करेला कैसा है? उत्तर, करेला कड़वा है। ठीक है, कड़वा जो है ये विशेषण हो जाएगा, करेले का गुण हो जाएगा, तो करेला कड़वा है। यदि हमसे कोई पूछे कि करेला कड़वा है, इसमें से विशेषण बताओ, तो हम क्या बताएंगे? कड़वा। कड़वा पे हम अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि ये करेला जो है कड़वा, करेला का विशेषण हो जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, विशेषण को गुण भी कहते हैं, विशेषण को हम गुण भी कह सकते हैं। गुण तरह तरह के होते हैं, जैसे ऊंचा, गोल, मोटा, अच्छा आदि। ठीक है, ऊंचा, गोल, मोटा, अच्छा
और भी हो सकते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे प्रश्न नंबर फर्स्ट है, इमली कैसी है? ठीक है, तो इमली कैसी है बेटा? उत्तर, इमली खट्टी है। खट्टी जो है ये इमली का गुण है। ठीक है, प्रश्न नंबर सेकंड, पतंग कैसी है? पतंग कैसी है? पतंग नीली है। ठीक है, नीली है, ये पतंग का विशेषण हो जाएगा। ओके, प्रश्न नंबर थर्ड है, भालू कैसा है? उत्तर, भालू काला है। ठीक है, प्रश्न नंबर फोर्थ, करेला कैसा है? उत्तर, करेला कड़वा है। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे विशेषण। बेटा आपको अच्छे से पढ़ना है और अपनी नोटबुक में ये वर्क करना है। ओके बेटा, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम संगीता मैम, टीचर ऑफ फर्स्ट क्लास एट MLP स्कूल राजपुरा। डियर स्टूडेंट, आज हम हिंदी में सुलेख करेंगे। ठीक है बेटा, सुलेख का अर्थ होता है अच्छा लेख। ठीक है, सुलेख मीन्स अच्छा लेख। ओके, देखिए, काजल आलस मत कर, आ नहा कर जा, भगवान का आज भजन कर, आकर अब खाना खा, माताजी का कहना मान। ठीक है, ये जो बेटा लाइनें हैं हमें अच्छे से पढ़कर और अच्छी अच्छी साफ सुंदर राइटिंग में लिखना है। ठीक है, देखिए, काजल लिखेंगे तो काजल कैसे लिखेंगे? कैसे बनाएंगे? कै आ का डंडा, जय ले काजल। ठीक है, आलस आ ले से आलस। ठीक है, काजल आलस मत, मैं से लाइन खींचेंगे, इस लाइन को बोलते हैं शीर्ष रेखा। ठीक है, मत कर, कै और ये रह कर और फिर पूर्ण विराम। ओके, नेक्स्ट लाइन है आ नहा कर जा, आ बनाएंगे, देखिए ऐसे घुमा के इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, ए और आ का डंडा आ, फिर लिखेंगे न है देखिए बेटा, हा आधा डैडमरू बनाएंगे और फिर इधर से इसको ऐसे घुमा देंगे। ठीक है, आ नहा कर, कै रे कर, जय आ जा, आ नहा कर जा। ठीक है, फिर पूर्ण विराम, फिर है भगवान, है गे वे आ ने भगवान। ठीक है, भगवान का कै आ का आज ऐ का डंडा जय आज भजन भय जय और ये न भजन कर कै और ये रे कर। जैसे बेटा मैंने लिखा है ऐसे ही आप साफ सुंदर राइटिंग में वर्क करना। ठीक है, आ कै और ये रे आ कर, अब है ऐ और ये बे अब, खाना खै खरगोश बनाएं, खै आ का डंडा, न आ ना खाना, खा खै आ खा, फिर पूर्ण विराम, फिर है माता जी का कहना मान। देखिए माता जी लिखेंगे, मैं ऐसे घुमा के बनाना है, आ का डंडा, पे आ जय और इकी मात्रा, माता जी का कै आ का कहना, कै है न आ कहना मान, मैं देखिए बेटा मैं की जैसे मैंने सेब बनाई है ऐसे ही बनाना है, मैं आ और ये ने मान। ठीक है, माता जी का कहना मान। ओके, देखिए बेटा फिर से रिवाइज करेंगे एक बार, काजल आलस मत कर, आ नहा कर जा, भगवान का आज भजन कर,
आकर अब खाना खा, माता जी का कहना मान। ठीक है बेटा, ये चार लाइन है, आपको अच्छे से साफ साफ सुंदर सुंदर अपने नोटबुक में सुलेख में करना है। ओके बेटा, थैंक यू।